तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है नॉन फिनाइट वर्ब को शुरू करने जा रहे हैं, बिकॉज हमने एक वीडियो शॉर्ट में डाला था जिसका नाम था जेरेंट वर्सेस पार्टिसिपल। तो उस वीडियो पे मैंने देखा कि 27,000 लगभग जो है व्यूज़ हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि सर कोई कह रहा है बोर्ड हिल रहा है, कोई कह रहा है कि सर समझ में नहीं आया, कोई कह रहा है कि सर समझ में आ गया, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा दीजिए। तो मैं सीधा जेरेंट पार्टिसिपल नहीं पढ़ा सकता, मैं उससे पहले आपको नॉन फिनाइट वर्ब पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मैंने उसमें कहीं कहीं कमेंट में मैंने लिखा भी है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा या मैं इस वीडियो को बहुत लेंथ बनाऊँगा। देखिए मैंने कहीं कहीं ये भी लिखा है कमेंट में, आपका रिप्लाई किया है, चाहे जो भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं उस वीडियो को जिसने भी देखा है, पहले आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको नहीं आएगा विदाउट बेसिक इंग्लिश, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप एडवांस इंग्लिश को सीखने का प्रयास करते हैं। तो फिर भी हम बहुत ही आसान भाषाओं में बहुत ही आसान तरीके से आपको जेरेंट और पार्टिसिपल सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक इमेंस एक्सपीरियंस के साथ जो हम किसी चीज़ को बताते हैं और बहुत ही ईजिएस्ट तरीके से बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जेरेंट और पार्टिसिपल पढ़ने से पहले या इन्फिनिटिव को पढ़ने से पहले हम आपको नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में इस वीडियो में बता देते हैं और आपको बताएंगे कि आखिर में नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कि जेरेंट और पार्टिसिपल आखिर होते क्या है, कैसे एक दूसरे को हम अलग करते हैं, कैसे हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए नॉन फिनाइट वर्ब्स आखिर में होते क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। एक होते हैं फिनाइट वर्ब और एक होते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन का मतलब जो नहीं होते हैं, फिनाइट। फिनाइट वर्ब की क्या पहचान होती है कि हमेशा जो है फिनाइट वर्ब की पहचान होती है कि हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू चलता है। किसके अकॉर्डिंग टू चलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी गोज, ये गो क्या है? यहां पे शी है तो इसी को देखे गो में एस और यस लग गया, तो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग टू चला? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू। साथ में इसके पर्सन सिंगुलर है कि प्लुरल है, नंबर कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग टू भी चलता है। लेकिन यहां पर मेरे सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा मायने रखता है, सिंगुलर और प्लुरल का, ठीक है। तो जेंडर का जो है मायने नहीं रखता, लेकिन सिंगुलर और प्लुरल का मायने जरूर रखता है। तो इसी को फिनाइट वर्ब कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है, अगर इसको हमको पास्ट में बनाना हो तुरंत ही ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट सिंपल में ले जाना होगा तो तुरंत जो है गो क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। परफेक्ट में ले जाना होगा तो क्या हो जाएगा? सेम गो, आपका शी हैड गोन हो जाएगा। तो आपने देखा कि गो का जो है कैसे रूप चेंज होता रहता है। ये क्यों होता है? फिनाइट वर्ब है। फिनाइट वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू अपना रूप बदलता है, सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग टू अपना रूप बदलता है, तो इसको फिनाइट वर्ब कहा जाता है। लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब ऐसा नहीं होता है। नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है कि कभी भी सब्जेक्ट या नंबर को देख के अपना रूप नहीं बदलता है। जैसे कि शी लाइक्स रनिंग, वह रनिंग करना पसंद करती है। शी लाइक्स रनिंग, शी लाइक्स रनिंग, ठीक है। अब यहां पे ये देखिए, यहां पर हम जो रनिंग है, इस रनिंग को हम कभी भी नहीं बदल सकते हैं। अगर हम इसको बदल दें ना शी लाइक्स को, तो रनिंग भी ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए मैं सेंटेंस चेंज करता हूं, शी लाइक्ड रनिंग, शी विल लाइक रनिंग, ये देखिए यहां पर भी ये तो बदलता जा रहा है, लेकिन ये तो ऐसे कैसे ही रह रहा है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको नॉन फिनाइट कहा जाता है। नॉन का मतलब नहीं, जो ना बदले, क्योंकि ये बदल ही नहीं रहा है, ये तो बेचारा बदल गया, यहाँ पे एस लग गया अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन, यहाँ भी पास्ट में चला गया, लाइक लाइक्ड हो गया, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में बदल गया, लेकिन ये ऐसे का ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ये क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब है। अब ये नॉन फिनाइट वर्ब जो है तीन प्रकार के होते हैं, जो हम अभी आपको समझा रहे हैं। देखिए ये होते हैं आपके तीन प्रकार। फर्स्ट होते हैं आपका जेरेंट, सेकंड होते हैं आपका पार्टिसिपल,
और थर्ड होते हैं आपके इन्फिनिटिव। अभी जो हमने पिछला सेंटेंस लिखा था उसमें हमने जेरंड का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था? जेरंड का यूज़ किया था। अब आप कैसे समझेंगे कि मैंने जेरंड का यूज़ किया था, ये हम आपको बताएंगे जब हम जेरंड और पार्टिसिपल का यूज़ बताएंगे तो, ठीक है। अब यह है क्या, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जेरंड जो होते हैं ना, ये भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होते हैं। अब ये जो मेन वर्ब होते हैं ये आपका बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर का मतलब ये लिखा हुआ नहीं होता है कहीं भी, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल टू मेक, आपको यहाँ पर भी टू मेक मिलेगा, लेकिन आप यहाँ समझिए कि ये केवल मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरंड होगा। ये भी होगा जेरंड, वही मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी जेरंड होगा। ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि ये वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है या पार्टिसिपल के रूप में यूज़ हो रहा है, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये हम आपको बताएंगे जब हम पार्टिसिपल और जेरंड को बताएंगे। और ये जो इन्फिनिटिव होते हैं ये होते हैं टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इन्फिनिटिव भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे बेयर इन्फिनिटिव होते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव भी होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे। अब पार्टिसिपल की बात करें और जेरंड की बात करें तो जेरंड में भी परफेक्ट जेरंड होते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपल जो होते हैं खास करके तीन प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, एक आपका पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, और एक होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होते हैं? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होते हैं। फिर होते हैं आपके पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होते हैं? आपके थर्ड फॉर्म होते हैं डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल ड्रिवन, डी आर आई ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, या ईटन, ई ए टी ई एन ईटन। ये क्या है? आपका पास्ट पार्टिसिपल है। और एक होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट वाले में क्या होते हैं कि पहले तो हैविंग होते हैं और फिर होते हैं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। इन्फिनिटिव भी परफेक्ट होते हैं, जेरंड भी परफेक्ट होते हैं। दोनों का यूज़ कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको यहीं स्टॉप इसलिए कर देते हैं बिकॉज जब हम इसको डिफाइन करेंगे जेरंड और पार्टिसिपल के टॉपिक में तो आपको बहुत बेटर तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम आपको ये बताएंगे सबसे पहले कि जेरंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज में क्या अंतर होते हैं, ताकि आपको पार्टिसिपल और जेरंड को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत बारीकी से, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ गए, ठीक है। बाय देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ़ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल यू कैन ज्वाइन टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द न्यू नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियोज एंड वी विल ऑलवेज बी कनेक्टिंग टू ईच अदर इन फ्यूचर।